गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग कह रहे थे कि मैम हमें सिलेबस चाहिए है 20 और 21 का, कि क्या रहेगा हमारा उर्दू का सिलेबस क्लास 10th का। तो देखिए, ये मैं आपको कोर्स बी का सिलेबस बता रही हूँ, जो जनरली आपकी जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं उस स्कूल में बुक पढ़ाई जाती है, जान पहचान है ना, ये आपकी सिलेबस बी के अंतर्गत आती है, उसके तहत आती है। तो इसका जो आपका कोर्स कोड है वो है आपका 303, ठीक है। तो इसका मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, आप लोग समझ लेंगे अच्छे से, और कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये आपका टर्म वाइज सिलेबस है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो टर्म में डिवाइड है। और इसकी PDF ये मैंने CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड की थी, इसलिए वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे फ्यूचर के लिए सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वीडियोस तो पड़ी रहती हैं यूट्यूब पे, आप जब चाहें देख सकते हैं, वीडियो को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डाउनलोड का ऑप्शन खुला ही रखती हूँ, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जब दिल चाहे तब आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें क्या करना है। तो देखिए, हर बार की तरह इसमें पहले आपके दो अनसीन पैसेजेस आएंगे, दो गैर दर्सी इख्तिबासात, यानी कि वो इख्तिबास जो आपने नहीं पढ़े हैं कभी, ठीक है। इसमें एक आपका नसरी होगा, दूसरा आपका शेरी होगा। आप सब जानते हैं कि शेरी हो चाहे नसरी हो, दोनों इख्तिबासात में से आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको जवाब देना होता है ना। सेम वही पैटर्न रहेगा। और यहाँ आपके सीन पैसेजेस होते हैं, सीन पैसेजेस का मतलब ये कि आपकी बुक से दिए जाते हैं। तो जो पैसेजेस आपको बुक से दिए जाते हैं उसमें आपके दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, वो ये कि भाई इस नज़्म के लिखने वाले शायर कौन है, या इस नज़्म का नाम क्या है, या ये सबक किस अदीब ने लिखा है, या इस अदीब ने मतलब इस सबक का क्या नाम है ना। यही दो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं जब आपका सीन पैसेज होता है, यानी दर्सी इख्तिबासात हों तो, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता है भाई, ये 7th-8th क्लास में आप कर चुके हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है। अब आपकी बात करें अगर ग्रामर वर्क की, यानी इल्म कवायद की बात करें, तो इसमें आपको देखिए फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजूल, यानी फ़ेल और फ़ेल के जितने अकसाम हैं ज़माने के लिहाज से, या फिर फ़ेल की अपनी जो किस्में हैं वो दोनों आपको पढ़नी है। ये तीन आपकी ज़माने के लिहाज से होती हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तकबिल, ठीक है। और ये जो आपकी दो फ़ेल की अकसाम है, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजूल, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा इस्म की आपको दोनों किस्में पढ़नी है, इसमें मारफा भी और इसमें नकरा भी, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर आपको रमूज और औकाफ़ भी पढ़ना है, मुतजाद और मुतरादिफ अल्फाज भी पढ़ना है, ठीक है। ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड हैं, उर्दू कवायद और इंशा करके प्लेलिस्ट का नाम है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके सर्च करेंगे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे हर चीज़ के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपकी अगर बात करें राइटिंग स्किल और लिटरेचर की, तो इसमें आपके टेक्स्ट बुक से और कुछ क्या नाम है आपके एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे। या फिलहाल आपको दिया गया है कि इसमें आपको जो आपके नसरी सबाक होंगे, यानी कि आपके चैप्टर्स होंगे, नसर के चैप्टर होंगे, ठीक है, उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो सबक है ये आपको क्या बताना चाह रहा है, इसके जो आपके मुसन्निफ़ हैं उनके हालात क्या हैं, उनके हालात ज़िंदगी क्या रही, उनकी तर्ज तहरीर क्या थी, यानी वो किस तरह से लिखते थे, या कहानी के जो किरदार हैं वो कैसे हैं, आपने उन किरदारों से क्या सीख ली, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, एक तरह से ये क्रिटिसाइज़ करना है आपको, है ना, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को देखना चाह रहे हैं कि आपने कितना समझा, आपने कितना जाना, ठीक है। इसके बाद सेम ऐसे ही आपकी शेरी में भी रहेगा, यानी कि जो आपके शेरी असनाफ होंगी, नज़्म होगी या गज़ल होगी या कसीदा, मरसिया, मसनवी या रुबाई, कता, अगर कुछ आपको दिया गया है इससे रिलेटेड, तो उसके भी शोरा क्या है, उन शोराओं की हालात ज़िंदगी क्या रही है ना, या उनकी ज़बान और बयान कैसी थी, किस तरह से वो लिखते थे, तो ये सब आपका पूछ लिया जाएगा। अगर बात करें हम निसाब की, तो आपकी हिस्सा 5 है जान पहचान बुक, जो 10वीं जमात के लिए, उसमें आपको 1 से 11 तक की सारे चैप्टर पढ़ने हैं। ये सब चैप्टर्स मेरे चैनल पर अपलोड है विद आंसर, विद फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, आपकी क्लास 10th के नाम से ही प्लेलिस्ट है, आप वहाँ जाएंगे, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं।
इसी तरह से आप देखेंगे होगी आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस, अब ये आता है आपका सेकंड टर्म का सिलेबस, सेम बिल्कुल अनसीन पैसेज सीन पैसेजेस ये सब सेम रहेंगे। ग्रामर वर्क में थोड़ा चेंजेस आएगा, यहाँ आपको वाहिद जमा साहब के लाए गए मुजक्कर मुअन्नस मुहावरे और कहावतें और उनका जुमलों में इस्तेमाल और मज़मून निगारी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको करना होगा। मज़मून निगारी जो है वो 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, यानी लगभग आपको 1.5 से 2 पेजेस लिखने होंगे। इसमें आपके जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कौमी त्यौहार, यानी आप कौमी त्यौहार पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कौमी त्यौहार यानी जो आपके राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं ना, जैसे आपके यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी, है ना, ये सारे त्यौहार, या तारीख़ी मकामात की सैर, जैसे कोई भी आपका हिस्टोरिकल प्लेस गए आप वहाँ घूमें, मोनूमेंट्स को घूमें, तो उसके ऊपर है ना। इसी के साथ आपका यहाँ आगे क्या दिया गया है, स्कूल का सालाना जलसा, यानी कि आपका जो स्कूल है उसमें एनुअल फंक्शन हुआ, कैसे हुआ, क्या रहा, ये पूछा जाएगा। या आपकी पसंदीदा शख्सियत, कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, तो देखिए पसंदीदा शख्सियत आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन आप क्योंकि अदब के स्टूडेंट हैं तो कोशिश ये करिएगा कि आप अपनी पसंदीदा शख्सियत किसी अदब के ही शख्स को लें। ठीक है, जैसे आप अपने टीचर्स को ले सकते हैं कि भाई कोई ऐसा टीचर आपकी ज़िंदगी में आए जो बहुत अच्छे हों, बहुत पोलाइट हों, आपको लगता हो कि भाई इनसे ज़्यादा अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। होता है ना, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा टीचर ज़रूर आता है जो हमें लगता है कि भाई कितने अच्छे टीचर हैं, हम भी बड़े होकर इनके जैसे ही बनना चाहेंगे, है ना। तो आप उनको अपनी पसंदीदा शख्सियत बना सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जैसे कोई APJ अब्दुल कलाम है, वो आपकी पसंदीदा शख्सियत हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे, आप कोशिश यही कीजिएगा कि आप अदबी शख्सियत को ही लें। ठीक है, कोई अदब के दायरे में ही लें, आप किसी फिल्म स्टार को, इन सबको अपनी पसंदीदा शख्सियत ना बनाए तो बेहतर है। सालाना जलसे का मतलब क्या हुआ, आपका एनुअल फंक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए मनाया जाता है। ठीक है, एनुअल फंक्शन मनाने के क्या मकसद हो सकते हैं, या इस बार मनाया गया तो किस तरह से मनाया गया, या कोरोना की वजह से क्यों नहीं मना पा रहे हम लोग, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम, तो सेहत और खेल कूद, यानी कि हम जो खेल कूद है वो हमारी सेहत पे किस तरह से इम्पैक्ट करता है, किस तरह से असर डालता है, या खेल कूद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात करें यहाँ पे आपकी अगर पार्ट टू की, पार्ट बी की, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको बोल दिया गया है कि आपको दरख्वास्त और खतूत लिखने होंगे, दरख्वास्त या खतूत। ठीक है, दरख्वास्त आपको बता दी गई फ़ीस माफ़ी की, या सेक्शन बदलवाने की, या किसी तकरीब में शिरकत करने की, ठीक है, या फिर छुट्टी की, तो इन्हीं में से कोई आ सकती हैं आपकी। अगर हम ख़त की बात करें तो आप सब जानते हैं ख़त दो टाइप के होते हैं, आपके निजी और दफ्तरी। निजी कौन से होते हैं, जो हम अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, इन सबको लिखते हैं, है ना, जिनसे हम फ्रेंडली होते हैं, जिनसे हमें किसी तरह के अलकाब, आदाब और बनने की ज़रूरत नहीं है, है ना। दफ्तरी में क्या होता है, ये हम किसी अहदेदार आदमी से बात करते हैं, जैसे आपके गली में चोरियाँ हो रही, आप पुलिस वाले को, अंकल को लिखेंगे, SHO को लिखेंगे, ठीक है, तो आप उनको लिखेंगे, या आप बिजली वाले अंकल को लिख रहे हैं कि भाई लाइट नहीं आ रही है, तो ये सारे आपके दफ्तरी में आते हैं। तो इनके लिए हमें क्या होता है, अलकाब व अदाब का ख्याल रखना होता है ना, हर चीज़ को बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखना होता है, तो ये आपके दफ्तरी होते हैं। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना कि आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल, या हिंदी में आपने पढ़ा होगा औपचारिक और अनौपचारिक, है ना, तो ये वही चीज़ है। अब अगर हम बात करें आपकी दर्सी किताब से मुतालिक, तो आपको जो आपके टेक्स्ट बुक है उसमें जो आपको नसरी हिस्सा है या शेरी हिस्सा है, दोनों का सबक का खुलासा भी आ सकता है, मरकज़ी ख्याल भी आ सकता है कि भाई ये जो आप चैप्टर आपको दिया गया है इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, ये क्या पैगाम आपको पहुंचा रहा है, या मुसन्निफ़ के क्या हालात ज़िंदगी है, किस तरह से वो लिखता है, या शोराओं के क्या हालात ज़िंदगी हैं, है ना, शोरा किस तरह से लिख रहे हैं, किस हालात में वो लोग रहे हैं, या उनकी ज़बान और बयान कैसा है, अंदाज़ गुफ्तगू कैसा है, ठीक है, किस तरह से वो आपसे बात कर रहे हैं अपनी शायरी के ज़रिए, ये सब चीज़ें आपको उसमें लिखनी है। थोड़ी सी मतलब यहाँ पे आपको क्रिटिकल कर रहे हैं वो, आपकी आपको तनकीद करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, तो आप इसे पढ़ेंगे और अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे इन सब चीज़ों में। अच्छा, इसके अलावा आगे आपको देखिए यहाँ पे आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सब तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आप देख लेंगे। और अगर हम बात करें चैप्टर्स की, तो आपके चैप्टर्स जो हैं वो 12 से 22 तक आएंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आपका 1 से 11 तक आ चुके हैं।
ठीक है। इसके बाद उर्दू कवायद और इंशा, ये आपकी बेसिक ग्रामर की बुक जो लगी हुई है, ये आपकी 6th to 12th क्लास तक CBSE में यही बुक है। अगर आप लोग ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। ये बुक आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी, अगर वहाँ, बस शर्त ये है कि वो उर्दू की बुक्स रखते हों, है ना। तो आप लोग इसे कर सकते हैं। अब अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आपकी चैप्टर की प्लेलिस्ट आपकी क्लास के नाम से है, 10th क्लास के नाम से है, 10th क्लास उर्दू की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं अपने सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ उसमें मैंने करा दिया है। और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे समझ में आ भी जाएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन फिर भी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ग्रामर का जो है वो भी आप लोगों को करा दिया है मैंने, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट है, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।